वेलकम माई वेरी वेरी प्रेशियस एरीज। एरीज, ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उस पर्सन की आपके लिए, आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपसे रिलेटेड, उनके कॉन्शियस माइंड में क्या है आपसे रिलेटेड। और क्योंकि इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में कर रहे हैं एरीज, तो हम ये भी देखेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील करते हैं और उप्स आपके इमोशंस क्या हैं इस पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन के लिए, और ये भी देखेंगे कि आप दोनों की एनर्जीज मिलके किस रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं। और बीच में अगर हमें गाइडेंस दिखेगी तो हम गाइडेंस भी लेंगे, बट एंड में तो हम गाइडेंस लेंगे ही लेंगे। ओके, तो ये पूरी रीडिंग करने वाले हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। सो लेट्स गो, लेट्स सी एरीज क्या है हमारे पास। मेन एनर्जीज देख रहे हैं अभी, जो पहले के 4-5 कार्ड्स होंगे। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है। अगर आप एरीज नहीं हैं, आप एरीज के पर्सन हैं, तो एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है। ओके ओके, आपके कनेक्शन की, आपके पर्सन की मेन एनर्जी आपके कनेक्शन के टूवर्ड्स या आपके टूवर्ड्स। सबसे पहले तो 5 of Cups दिख रहा है। 5 of Cups मतलब कि कुछ कनेक्शन में डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं, स्पेशली इस पर्सन ने कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपके साथ में फील किए हैं। इस कनेक्शन में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स फील किए हैं, मतलब कि जो कुछ भी कनेक्शन में हुआ है उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं था। इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन इस कनेक्शन से इस पर्सन को फील हुआ है, सैड फील हुआ है, बुरा फील हुआ है, खराब फील हुआ है, हर्ट फील हुआ है। उसके बाद में इस कार्ड के साथ में द हायरोफेंट आया था। हायरोफेंट यहाँ पे दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़ ये बताता है कि हो सकता है कि ये सैडनेस जो रिलेशनशिप में आई है, ये किसी हायर अथॉरिटी की वजह से आई हो, जैसे फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई और पर्सन की वजह से। एक ये केस है कि आप दोनों के कनेक्शन में डिसअपॉइंटमेंट्स आया, आप दोनों की लाइफ में कोई हायर अथॉरिटी है, या तो आपके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स, काम का ज़्यादा होना, काम का प्रेशर होना, बॉस का प्रेशर होना, लॉन्ग डिस्टेंस होना, ये सारी चीज़ें रीज़न हो सकता है कि यू नो ये पर्सन डिसअपॉइंटेड इस कनेक्शन में। कुछ ऐसी चीज़ हुई हो किसी हायर अथॉरिटी की वजह से जिससे कोई डिससेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें हुई हो। सैडनेस है यहाँ पे, थोड़ा सा पेन और ग्रीफ दिख रहा है। एट द सेम टाइम इन सम केसेस द हायरोफेंट आया है तो ये बताता है कि आप दोनों की बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री रही है। तो अगर वो चीज़ सच नहीं है तो बात यह है कि आप दोनों की शायद से बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रही है, और क्योंकि कनेक्शन बहुत ही गहरा था, बहुत ही लॉन्ग टर्म था, इसीलिए ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है जो कुछ भी हुआ है उसके कारण। थर्ड, अगर हम एनर्जी देखें आपके कनेक्शन की, तो हमें 9 of Pentacles दिख रहा है और किंग ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। 9 of Pentacles और किंग ऑफ सॉर्ड्स राइट अवे आके ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बनाने पे फोकस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये, क्योंकि कनेक्शन में कहीं पे डिसअपॉइंटेड हमने फील किया, तो हमने अपना ध्यान अपने काम पे, पैसों पे, अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी पे लगा दिया। ये पर्सन सिंगल दिख रहा है अभी, सिंगल एज इन के नॉट नेसेसरली ये सिंगल हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अभी रिलेशनशिप में ही हों बट स्टिल कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हों, बट सिंगल एज इन के ज़्यादा फोकस अपनी खुद की पर्सनल लाइफ पे है, अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी पे है। यहाँ पे ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है, मतलब कि आप दोनों के कनेक्शन को लेके अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया है, स्पेशली जब से ये पर्सन हर्ट हुआ है। तो यस, यहाँ पे कुछ है एंड आई टोटली गेट इट। जब मैं ऐसी बातें बोलती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि पर इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया, ये क्यों हर्ट फील कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपकी साइड से बहुत ही क्लियर इंटेंशन दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में अटक गए हो, कहीं पर फंस गए हो, और आप कोशिश कर रहे हो कुछ न्यू बिगनिंग्स
मैनिफेस्ट करने की अपनी लव लाइफ में, बहुत ही स्ट्रांगली कुछ न्यू बिगनिंग्स आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप अटके हुए हैं। और अगर एस ऑफ वांड्स आया है तो मैं आपको छोटी सी प्रिडिक्शन आपकी बताना चाहती हूँ। अगर आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं तो वो होराइजन पे है, आपकी आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होंगी, चाहे वो किसी के भी साथ हो, बट ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। बट आप हैंगमैन फील कर रहे हैं। हैंगमैन फील करना मतलब कि हम स्टक हैं लव लाइफ में, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में आगे जाएं। इवन तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे ये बताती कि आपको किसी पर्सन पे गुस्सा भी आ रहा है। आई थिंक आपको अपने पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फील कर रहे हैं इनके टूवर्ड्स। आपको गुस्सा इस बात का रहा है कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन को कहीं पर अटका दिया है। यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट एरीज, आपको किसी चीज़ से छुटकारा चाहिए, या तो आपको इस पर्सन के इस पूरे कनेक्शन से छुटकारा चाहिए, या तो आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है पर्टिकुलर, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा चाहिए। तो आप फ्रीडम चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं किसी चीज़ से, और छुटकारा शायद इसीलिए भी चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आप फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में बहुत समय से, गुस्सा आ रहा है आपको और आप न्यू बिगनिंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी पर्सन की साइड से एट ऑफ कप्स आया है, फोर ऑफ वांड्स आया है, सिक्स ऑफ कप्स आया है एंड सिक्स ऑफ सॉर्ट्स आया है। ये बहुत ही क्लासिक एनर्जीज है एट ऑफ कप्स के। हमें कहीं पे डिससेटिस्फैक्शन फील हुआ, हमने वहाँ से मुंह मोड़ लिया, हम थोड़े से डिटैच हो गए अपने पर्सन से। तो कुछ समय ऐसा था, ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है ये पर्सन आपसे, जो हमने पहले भी देखा था। ये सारे कप्स आप दोनों ने मिलके क्रिएट किए हैं, बट इस पर्सन ने डिसाइड किया कि मुझे कहीं और जाना है। कहीं और मतलब ऐसा नहीं किसी और पर्सन के पास में जाना है, बट इस पर्सन ने डिसाइड किया कि ओके, मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से डिस्टेंस बनाना है, शायद से एरीज से डिस्टेंस बनाना है या फिर इस कनेक्शन से डिस्टेंस बनाना है। बट यहाँ पे सोल कनेक्शन भी एग्जिस्ट करता है, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड दिख रहे हैं दोनों, उसके कारण यहाँ पे फिर से रिकन्सिलेशन हुआ है, फिर से बातें हुई हैं और उसके बाद में फिर से ये पर्सन आपसे डिटैच हुआ है। तो बेसिकली ये एक पैटर्न भी हो सकता है इस पर्सन का, कि कभी आपकी लाइफ में आ जाता है, कभी आपकी लाइफ से चला जाता है। बिकॉज एक दो बार तो आप लोगों के साथ ये दिख रहा है कि हो चुका है, और ये इन टर्म्स ऑफ ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये पर्सन आपके क्लोज आ जाता है, कभी थोड़ा सा दूर चला जाता है। बिकॉज ये रीडिंग हर एक इंसान के लिए है, चाहे ये पर्सन आपका क्रश हो, चाहे आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो, चाहे आप इनके साथ में सिचुएशनशिप में हो, चाहे आप इनके साथ में मैरिज में हो, बट बात यह है कि कभी ये पर्सन डिस्टेंस बना लेता है और कभी ये पर्सन आपके क्लोज आ जाता है। तो ये एक पैटर्न है इस पर्सन का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन वापस से आपके बारे में सोच रहा है, आपसे बातें कर रहा है, बट फिर वापस से डिस्टेंस बना लिया है। एक ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई मजबूरी हो या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके कारण ये पर्सन इनकंसिस्टेंसी के पैटर्न्स को रिपीट करता है, बट ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपने इस पर्सन को अपना ऑफर दिया है, अगर आपने इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स बताई हैं एरीज, तो थोड़ा सा ये पर्सन कंफ्यूज है अभी, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स मतलब आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और आपने अपना ऑफर देने की कोशिश की, बट ये पर्सन आपके ऑफर को लेके कंफ्यूज दिख रहा है कि मैं ये ऑफर लूँ या नहीं लूँ, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाहते हो। जैसे मैंने बताया था कि नो मैटर आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड करते हो, ये रीडिंग आपकी है। तो अगर ये आपका क्रश है, आई एम सॉरी, और अगर आपने अपने क्रश को अपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली फीलिंग्स बताई, तो इस पर्सन को पता चल गया है कि आप क्या फील करते हो, बट ये कन्फ्यूज़ हो रहा है। अब आप रिलेशनशिप में हो और आप कमिटमेंट चाहते हो, आप मैरिज चाहते हो, तो ये पर्सन हो सकता है कि कन्फ्यूज़ हो रहा हो। तो आप जिस चीज़ का ऑफर दे रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस चीज़ को लेके ये पर्सन कन्फ्यूज़ दिख रहा है। और कन्फ्यूज़ या तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़ ये इसमें हो कि इसे आपका ऑफर चूज करना है या नहीं करना है, या फिर हो सकता है कि कंफ्यूज ये इस चीज में हो कि मुझे अभी अपनी लव लाइफ पे फोकस करना है या नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे कप्स हैं,
एक कप मनी को रिप्रेजेंट करता है, एक होम को करता है, एक करियर को करता है, एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को करता है, एक लव लाइफ को करता है। तो ऐसा भी हो कि ये पर्सन सोच रहा हो कि ओके इज़ दिस द राइट टाइम कि मैं रिलेशनशिप में आऊँ या कमिटमेंट में आऊँ या फिर मैरिज में आऊँ, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये पर्सन को हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी रहता हो, फोकस कहीं और हो उस पर्सन का। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में और इसीलिए थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज होने का मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है आप में, बट यस कंफ्यूज हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी है। एस ऑफ वांस की एनर्जी आप दोनों के लिए आई है, विच मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप दोनों सेम सोचते हैं कि ओके न्यू बिगनिंग्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए। यहाँ पे आप दोनों के बीच में फायर दिख रहा है। फायर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, जब दो लोगों के बीच में फायर होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। फायर होने का रीज़न, फायर जब फायर होता है तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है, बट जैसे फायर की फ्लेम बुझती और जलती रहती है वैसे ही फायर एनर्जी में इनकंसिस्टेंसी बहुत होती है। लाइक कभी तो बहुत ही एक्सट्रीमली अट्रैक्शन फील किया, कभी बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही एडवेंचरस लग रहा है कनेक्शन, और कभी कभी वो पैशन और कनेक्शन थोड़ा सा फेड होने लग गया, यू नो ये उस टाइप की एनर्जी है। बट यस आप दोनों एक पॉइंट पे आके सेम सोचते हैं। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उप्स 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 टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, और फोर ऑफ, एक बार फिर से आप दोनों ने एक दूसरे को मिरर किया है। आप लोग कनेक्टेड दिख रहे हैं एक दूसरे से, मुझे ऐसा लग रहा है सच में आपका सोल कनेक्शन है, बिकॉज़ यहाँ पे एस ऑफ वांस आया था और यहाँ पे भी एस ऑफ वांस आया था। उसके बाद में यहाँ पे फोर ऑफ वांस आया है। फोर ऑफ वांस टिपिकली ट्विन फ्लेम का कार्ड है या फिर सोल कनेक्शन का कार्ड है, यू नो इलेवन इलेवन कार्ड भी इसको बोलते हैं। तो ये बहुत ही टिपिकल सोल कनेक्शन के लिए कार्ड बना हुआ है, स्पेशली लव रीडिंग्स में। तो ये कार्ड आपके पर्सन की साइड से भी आया है और ये कार्ड आपकी साइड से भी आया है, तो यस वो चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स है, टू ऑफ सॉर्ड्स आपका कन्फ्यूजन बता रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स के बारे में मैं जितनी बात करूँ उतना कम है। अगर ज़्यादा जनरलाइज फॉर्म में मैं आपको समझाऊँ कि हर एक लोग इससे रिलेट करे, तो ये सिंपल सी ये चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या एक्शन लेना चाहिए इस पर्सन के टूवर्ड्स। और मैं अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होके समझाऊँ तो वो फिर सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। पर ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपका कि मैं क्या स्टेप लूँ इस पर्सन के टूवर्ड्स, क्या मैं बात करूँ, क्या मैं आगे बात बढ़ाऊँ, क्या मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ, या फिर नॉर्मली बात करूँ, या फिर ये बात नहीं करा तो मैं भी बात नहीं करूँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा अपनी लव लाइफ को लेके कंफ्यूज दिख रहे हैं, बिकॉज टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ में सिक्स ऑफ पेंटिकल आया है। अब अगर मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक हूँ तो ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो कि अब मैं इस पर्सन को सपोर्ट करूं या नहीं, अपनी केयर दूं या नहीं, अपना प्यार दूं या नहीं। ये मैं स्पेसिफिक होके बता रही हूँ, बट नॉर्मली अगर आप सबके लिए मैं बात करूं तो आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है, बिकॉज ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक साइड तो आपको गुस्सा आ रहा है इस पर्सन पे और आप इस पर्सन से इरिटेट हो चुके हो, और दूसरी साइड आप इस पर्सन को अपना प्यार और केयर भी देना चाहते हो। यहाँ पे हमने टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी देखी है। आपके अंदर ये सेंस है कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है या फिर अबैंडन किया है। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसा सोचते हो कि इस पर्सन ने उस टाइम पे मुझसे डिस्टेंस बनाया जब मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, या प्रॉब्लम में था, या पेन में था, या पेन में थी। इस पर्सन ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, इस पर्सन ने मुझे पेन में छोड़ दिया। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही ख़राब पेनफुल कुछ एंडिंग्स आपने इस पर्सन के साथ में एक्सपीरियंस की है, या फिर अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस की है। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स है आपके पर्सन की साइड से। बहुत ही सिंपल मैसेज है। जब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाइयाँ अगर हुई हैं, तो उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चला गया है, अकेलेपन में चला गया है, या फिर बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी में चला गया है। तो नो मैटर ये पर्सन क्या सोचता हो, नो मैटर इस पर्सन की गलतियाँ क्या हों, गलत सही को अगर हम साइड में रख दें, तो आप दोनों का कुछ झगड़ा हुआ है, उसके बाद ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खराब या डार्क फील कर रहा है अपनी लाइफ में,
और सैड फील कर रहा है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। ओके, उसके बाद यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ वांड्स की और डेथ की एनर्जी मतलब कि इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, इस पर्सन ने आपका रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। अगेन, नॉर्मल मैसेज क्या आ रहा है, डेथ की एनर्जी मतलब कुछ एंडिंग्स हुई हैं, आपका कनेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, कुछ एंडिंग्स आपने देखी हैं। एंडिंग्स हमने टेन ऑफ सॉर्ड्स से भी देखी, एंडिंग्स हमने डेथ से भी देखी। बट अगर मैं फिर से स्पेसिफिक जाऊं और साइड नोट दूं आपको, जो सबके लिए नहीं होगा, सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा, वो साइड नोट ये है कि ये आप हैं लियोज, सॉरी एरीज, आई एम सो सॉरी, आपके पहले मैंने लियो की रीडिंग की है। सो ये आप हैं एरीज और आप इस पर्सन के पास जा रहे हो, पर ये पर्सन आपको अलाव नहीं कर रहा है, समहाउ कॉर्ड कट करने की कोशिश कर रहा है आपसे। तो एक ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है, बैड ब्लड है दोनों के बीच में, लाइक कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आपको भी बुरा लगा है, इस पर्सन को भी बुरा लगा है। मोस्टली ये सिचुएशन दिख रही है, या फिर कोई मजबूरी भी इस पर्सन की हो सकती है कि ये ऐसी चीज़ें कर रहा है कि आपको ब्लॉक कर रहा है। बट अभी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, अब यहाँ पे मैजिशियन आया है। ये पर्सन अभी या तो ऐसा कर रहा है या फिर आपके साथ करेगा, बिकॉज़ ये इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है। देखिए, मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप समझ जाएं और कुछ गलत ना समझें। मैजिशियन एक वो पर्सन होता है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में मैजिशियन एक वो पर्सन होता है जो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। ओके, अब मैनिपुलेशन एग्जैक्टली क्या होता है, जानबूझ के मतलब नेचुरल नहीं रहना, आप जैसे हो वैसा नहीं रहना, पर जानबूझ के कुछ ऐसा बिहेवियर करना जिससे कि हमें वो आउटकम मिल सके जो हम चाहते हैं। अब मैनिपुलेशन हमेशा गलत नहीं होता है, कई बार मैनिपुलेशन पॉजिटिव भी होता है। बिकॉज इमेजिन, अगर आपको किसी पे क्रश हो रहा है, अगर आप सॉरी अगर आपको किसी पे क्रश है और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे बात करे, तो आई थिंक कि आप उस पर्सन को अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए अच्छी बातें करोगे, उससे अपना बेस्ट सेल्फ दिखाओगे, इम्प्रेसिव बातें करोगे, उसके सामने आप कपड़े अच्छे पहन के जाओगे, आई डोंट नो, अच्छी अपीयरेंस में जाओगे, राइट? तो उस वो भी एक तरीके का मैनिपुलेशन ही होता है ना, कि जैसे हम हैं वैसा हम नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ अपना अच्छा साइड दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई पर्सन हमें पसंद करे। तो इसी तरीके से ये मैनिपुलेशन इस पर्सन की एनर्जीज में दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये जो भी आपको सेंटेंस बोलते हो, जो भी बात बोलते हो, आपसे चाहे बात कर रहे हैं, चाहे आपसे नहीं बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं चाहे नहीं मिल रहे हैं, ये सोच समझ के स्ट्रैटेजिकली वो चीज़ें कर रहे हैं। कि ओके, अगर मैंने अभी एरीज को मैसेज कर दिया तो क्या क्या सोचेंगे एरीज, अगर मैंने ये बात बोली तो इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो अभी ये पर्सन थोड़ा सा जानबूझ के कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स आपके साथ में कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बिहेवियर्स नेचुरल हों, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। यहाँ पे हमने मैजिशियन देखा था और उसके बाद हमने सेवन ऑफ पेंटिकल देखा था। सी, इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि जो बॉल है वो इस पर्सन के कोर्ट में है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा पावर इस पर्सन के पास है इस कनेक्शन में, और इसीलिए भी आई थिंक ये इस टाइप की चीज़ें करते हैं। ये भी साइड नोट एक देना चाहूँगी कि हो सकता है इस पर्सन को पता हो कि कब मैं जब भी बात करना चाहूँगा या चाहूँगी तो ये पर्सन मुझसे बात करेगा या करेगी। इसका मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है कि पर्सन गलत हो, मैं बस आपको ये चीज़ बता रही हूँ। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है और टेन ऑफ पेंटिकल, ये बहुत ही सुंदर से कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर से कार्ड हैं जो इस पर्सन का दूसरा पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। स्ट्रेंथ फील करना मतलब कि इस पर्सन ने 100% तरीके से गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पे। स्ट्रेंथ फील करना मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ जो भी लड़ाई झगड़े आपने किए हैं, जो भी ये पर्सन अपना बेस्ट सेल्फ आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको ब्लॉक किया हो, आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाया हो, यहाँ पे ये पर्सन अपनी लव लाइफ में सेटल होना चाहता है। और क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल है, टेन ऑफ पेंटिकल मतलब कि फैमिली क्रिएट करना, स्टेबिलिटी क्रिएट करना, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस क्रिएट करना। तो अभी तक जो भी इस पर्सन ने किया हो, एक थॉट अगर इस पर्सन का बताऊँ मैं, तो ये है कि ये इस कनेक्शन को वापस से कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम इन्हें टेंशन इस बात की भी है कि अगर
अगर हमने वापस से चीज़ें ठीक कर ली, अगर सब कुछ आगे स्मूथली चला, अगर हम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आ गए, या फिर चलो हमने शादी कर ली या मैरिज कर ली, तो आगे क्या होगा, उसके आसपास थोड़ी सी एन्जाइटी है. मतलब कि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, तो ये पर्सन शायद सेकेंड चांसेस चाहता है आपके साथ में, बट इसको किसी टाइप का डर है कि अगर इस कनेक्शन को आगे लेके गए तो कुछ टेंशन तो नहीं हो जाएगी. अब आई डोंट नो वो टेंशन क्या हो सकती है, बट यहाँ पे जजमेंट है, तो अगेन हमें समझ में आता है कि जजमेंट है मतलब कि यस, दिस पर्सन वांट्स के आपसे बात करे और चीज़ें आपके साथ में ठीक करे. आपकी साइड से द स्टार है, आपका तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है एरीज. आप चाहते हो हील करना इस कनेक्शन को, आप अपने आप को भी हील कर रहे हैं और आप एफर्ट भी लगाना चाहते हैं इस कनेक्शन पे. दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा हीलिंग और एफर्ट वाले आए हैं, तो यू आर रेडी टू पुट ऑल द एफर्ट. ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही एक्सट्रीम केस हो आपका नो कॉन्टैक्ट का, ऐसा भी हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में हो और छोटी मोटी कोई बात हुई हो, बट यस, आपकी साइड से तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप एफर्ट लगाना चाहते हैं, बट आप ये भी सोचते हैं कि पर एफर्ट लगा कि क्या, पहले भी तो मैंने एफर्ट लगाए थे, उसका तो कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या मतलब है एफर्ट लगाने का. और यहाँ पे कोई एम्परर दिख रहा है, एम्परर अगेन हायर अथॉरिटी, वो एक हायर अथॉरिटी दिख रही है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में इम्पैक्ट डालती है, जैसे अगेन आपके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स, दिस एंड दैट, कुछ तो है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पर एफर्ट, मतलब बेसिकली थोड़ा सा आपकी थिंकिंग ऐसी लग रही है कि पर एफर्ट लगा के भी क्या फ़ायदा, यू नो, बिकॉज कोई ना कोई तो है यहाँ पे बैठा हुआ. ओके, द एम्परर ये इसीलिए भी आ सकता है कि आप एफर्ट लगाना चाहते हो बट आपको पता है कि एफर्ट लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप थोड़ा सा अब मैच्योर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, आप इस पर्सन को थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहे हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें सोच रहे हैं, थोड़े मैच्योर डिसीजंस ले रहे हैं. यहाँ पे एस ऑफ शॉर्ट्स है और एस ऑफ कप्स है. एस ऑफ कप्स अगेन न्यू बिगनिंग्स बताता है और वो एस ऑफ शॉर्ट्स के साथ में आया है, तो काफ़ी सारे एसेज आ गए हैं. एसेज न्यू बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पर्सन की थॉट में है. एस ऑफ शॉर्ट्स आया मतलब दिमाग में है, थिंकिंग में है, न्यू बिगनिंग्स आपके साथ में दिमाग में चल रहा है, थिंकिंग में है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. यहाँ पे द टावर है, यस टावर है, और ओ माय गॉड, दिस इज गुड. ओके, दिस इज गुड, दिस इज गुड. आई रियली होप कि अगर आप इस पर्सन के साथ में रहना चाहते हैं तो ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि मुझे बार बार कन्फर्मेशन मिल रहा है. मैं थोड़ा सा डाउट कर रही हूँ बट मुझे यूनिवर्स बार बार कन्फर्मेशन दे रहे हैं. अगर टावर कोलैप्स हुआ है, कनेक्शन कोलैप्स हुआ है, तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है, बातें करना है, हैंग आउट करना है, मिलना है, और ये सारी चीज़ें हैं. ओके, अभी ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून और नाइट ऑफ सॉर्ट्स है. नाइट ऑफ सॉर्ट्स आपकी साइड से भी आया था. अगर आपकी इस पर्सन से बात होती है या फिर ऑलरेडी आपकी बात चल रही है बट आप एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप बात करेंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा पहले तो झगड़ा करने वाले हैं. तो सबसे पहले एनर्जी जो आप दोनों की आपस में होगी वो झगड़ा करने वाली होगी. लाइक यू नो, आप दोनों फिर से क्लैश कर रहे हैं आपस में, इधर आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स में, इधर आपके पर्सन नाइट ऑफ सॉर्ड्स में, तुमने ये किया था, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, दिस एंड दैट, ये सारी चीज़ें होंगी. सबसे पहले तो आप क्लैश, आप लड़ रहे हैं, आप और लड़ेंगे, थोड़ा और लड़ेंगे इससे पहले कि चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो सके, राइट? अभी मुझे ये देखना है, दो चीज़ें हम देखेंगे. सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये पर्सन क्या चाहते हैं कि क्या करें आप, लाइक कौन सा आप एक्शन लेंगे तो इस पर्सन को सेटिस्फैक्ट्री फील होगा, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है इस पर्सन की. उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे हैं, फॉर गुड और फॉर बैड, यू नो. तो ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन की इस कनेक्शन से या आपसे. हाँ, आप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो ये पर्सन चाहता है कि आप करें. आई डोंट नो समहाउ, बिकॉज यहाँ पे एम्परर आया है, ये पर्सन ये चाह रहा है कि आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में इस कनेक्शन को हैंडल करें.
ये पर्सन ये चाह रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के साथ में आप इस सिचुएशन को, आप इस कनेक्शन को हैंडल करें. इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. फॉर से कि आपका पर्सन, फॉर सम रीज़न आपका पर्सन लाइफ के ऐसे फेज में स्टैंड कर रहा है जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, यू नो, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में. एंड यू आर समवन जो थोड़ा सा सेंसिटिव है, और आप 10 बार इस पर्सन को फ़ोन करें कि यू नो, किसी ना किसी बात पे कॉल कर रहे हैं. तो इन दैट केस ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल हों और ये समझें कि दिस पर्सन इज़ बिज़ी. ये मैंने आपको बस एग्जाम्पल दिया, ये कुछ भी हो सकता है. ये पर्सन आपसे प्रैक्टिकल बिहेवियर को एक्सपेक्ट कर रहा है, मेच्योर, आपको थोड़ा सा चाहता है कि आप थोड़े से मेच्योर बने. और ये कुछ लोगों के लिए सच हो सकता है. दूसरे लोगों के लिए ये है कि ये पर्सन चाहता है कि आप ये समझें कि ये पर्सन अभी बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है. ये पर्सन चाहता है कि आप ये समझें कि ये पर्सन अभी सेटल्ड नहीं है अपनी लाइफ में. समहाउ ये पर्सन सेटल्ड नहीं है और ये चाहता है कि आप उस चीज़ को समझें. ये पर्सन ये चाहता है, आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये समझें कि ये आपको आंसर अभी नहीं दे सकते हैं जब तक इनकी लाइफ की कुछ चीज़ें सेटल ना हो जाएं या फिर ये अपनी लाइफ में कंफर्टेबल ना हो जाएं. बिकॉज़ ये कॉन्स्टेंटली डिसकंफर्ट में है पर्सन अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में हो रही है. ये पर्सन ये चाहता है आपको बताना कि आप ये समझें कि ये पर्सन हर्ट है और इस पर्सन को भी बुरा लगता है जब कुछ चीज़ें होती हैं. तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप ये समझो कि इस पर्सन को भी प्रॉब्लम होती है जब आप दोनों के बीच में चीज़ें होती है. ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को केयर नहीं है, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट कार्ड निकला था इस पर्सन का. और ये पर्सन चाहता है कि आप ये समझो कि इस पर्सन को भी वो सैडनेस फील होती है जब भी आप दोनों के बीच में कुछ होता है. ये पर्सन चाहता है कि आप ये समझो कि ये इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, चाहे कैसे भी आपकी, आई डोंट नो ये आपसे क्या चाहते हैं, बट ये आपसे कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं. ओके, अभी हम ये देखेंगे कि पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं. अच्छा, जजमेंट पहले भी आया था. ओके, सो जजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. जजमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को रिन्यू करना, और कोई चीज़ ख़त्म हो गई है बट उसके बाद भी उसमें सेकेंड चांसेस मिलना, किसी चीज़ को रिन्यू करना. अब बस एक चीज़ करना कि टैरो रीडिंग देखने के कारण कोई भी हेस्टी डिसीजन मत लेना, कि बस दिख गया कि ये पर्सन चांस चाहता है, कनेक्शन में फ़ोन उठाया और 50 मैसेजेस कर दिए इस पर्सन को. नहीं, ये एनर्जीज हैं, इन्हें नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, तभी ये ऐसे काम करेंगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी. ओके, तो नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए उसको. ओके, अभी कौन सी बात है जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और खुफिया चीज़ आज आपके बारे में, पर्सन के बारे में पता कर लेंगे. इट्स मोर लाइक कि कौन सी उनकी हिडन फीलिंग्स हैं. ओ माय गॉड, हिडन फीलिंग्स में 6 ऑफ कप्स आया है. 6 ऑफ कप्स पहले भी आया था, तो हमें ये कंफर्मेशन मिला है कि पर्सन आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है. तो ये हिडन फीलिंग्स हैं 6 ऑफ कप्स. आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका बहुत ही लंबी हिस्ट्री है इस पर्सन के साथ में. देखिए, 6 ऑफ कप्स पहले भी आपके पर्सन की फीलिंग्स में आया है. ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके साथ में फ्यूचर देखता है. ये आपसे छुपा रहा है कि आपके साथ में फ्यूचर देखता है. द हर्मिट, ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा समझ रहा है, आप दोनों की सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, ये खोज कर रहा है आप दोनों के कनेक्शन में कुछ आंसर्स की. जैसे आप कुछ खोज करने आए हैं ना इस चैनल पे, ये भी पर्सन कुछ सोल सर्चिंग कर रहा है जो आप दोनों से रिलेटेड है. और इसीलिए इस पर्सन को थोड़ा सा आइसोलेशन में टाइम चाहिए. शायद ये पर्सन आपको ऑफर देने का सोच रहा है. एरीज, आई विल प्रे फॉर यू कि आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये रीडिंग मैनिफेस्ट हो. हिडन एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल आना मतलब कि दिमाग में कहीं ये चलना कि चलो कुछ सॉलिड ऑफर देते हैं एरीज को. ये चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में. वाओ, मुझे बहुत ही खुशी हुई है ये रीडिंग देख के आपकी. कुछ और आपके कनेक्शन के लिए कार्ड्स निकाल दें. बहुत ही सिंपल सी रीडिंग आई है आपकी और बहुत ही इफ़ेक्टिव रीडिंग आई है आपकी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. और आपकी लव लाइफ की एनर्जीज देखते हैं, आप दोनों कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं.
उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, फिर हम अल्फ़ाबेट्स भी डिस्कस करेंगे। साइंस और अल्फ़ाबेट उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने यहाँ तक रीडिंग से रिलेट कंफ्यूज हैं कि ये रीडिंग हमारी है कि नहीं, उनके लिए साइंस और अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्फ़ाबेट में कई बार आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, आपके नाम मिल सकता है, सर नेम्स, निक नेम्स मिल सकते हैं, तो वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होता है कि यस ये आपकी रीडिंग है। बट अगर आपने पूरी रीडिंग से रिलेट किया है और आपको अल्फ़ाबेट्स और वो नहीं मिले हैं साइंस, तो इट्स ओके। ठीक है, ओके, कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड थोड़ा सा ओपन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सिचुएशन ऐसी अनफोल्ड हो जैसा आप चाहते हैं, मतलब चीज़ें ऐसा तो होगा कि चीज़ें आप जो चाहते हैं वो अल्टीमेटली हो जाए, बट जो रास्ता जिस जिस तरीके से होंगी वो ज़रूरी नहीं है कि वैसी हो जैसा आप चाहते हो। यहाँ पे आप दोनों हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है। आई डोंट नो कि आपसे आपकी किससे शादी होने वाली है, बट गाइज लाइक मैंने जैसे पहले बोला था कि न्यू बिगनिंग और वेडिंग्स आपके लिए होराइजन पे हैं, तो यस, रिट्रीट बता रहा है कि आप लोग कुछ टाइम यू नो वापस से बात करेंगे, वापस से मिलेंगे, बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं, और ये पर्सन आपका लिटरली सोलमेट हो सकता है। बट लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को हमेशा इस पर्सन से ऊपर रखें, आपसे ऊपर आपके पेरेंट्स और भगवान या यूनिवर्स के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई हो सकता है। तो अपने आप को इस पर्सन से पहले रखें तो ये कनेक्शन और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। मुझे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है। एट द सेम टाइम मुझे मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये जनरल रीडिंग है। अगर ये किसी की पर्सनल रीडिंग होती तो शायद मुझे और ज़्यादा खुशी होती। तो एरीज हो सकता है कि आपके पर्सन भी एरीज हों, यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद में यहाँ पे वर्गोस की एनर्जी स्ट्रांग है, कन्या राशि। उसके बाद में यहाँ पे लियोज स्ट्रांग है, सिंह राशि, सैजिटेरियस है, यहाँ पे धनु राशि, कैंसेरियंस हैं, कर्क राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि, स्कॉर्पियोज हैं, वृषक राशि, लियोज मैंने बता दिया ना आपको, टॉरस है यहाँ पे, वृषभ राशि, पाइसीज है यहाँ पे, मीन राशि, लिब्राज है यहाँ पे, तुला राशि, एक्वेरियस है यहाँ पे, कुंभ राशि। आई थिंक मैंने सारे साइंस बता दिया आपको। ओके, अभी अल्फाबेट्स देखते हैं। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे दो और साइंस आए हैं, यहाँ पे जेमिनाई आए हैं, मिथुन राशि, एक और साइन आया था आई थिंक, डोंट टेल मी, नो ओके ओके, ये साइन यहाँ पे है, मुझे लगा मैंने गलती से अंदर तो नहीं रख दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पे लियोज आए हैं, सिंह राशि। तो ओके, वी हैव द लेटर के एंड टी एंड आर एंड ई एंड आई एंड एफ एंड ए एंड एल एच आर अगेन एस वाई टी अगेन आर अगेन डब्ल्यू एम ओ अगेन आई अगेन ए अगेन पी यू आई यू अगेन एल अगेन ई अगेन। ओके, तो ये सारे लेटर्स हैं एरीज। आई रियली डू होप कि सब कुछ इतना अच्छा हो जाए ना आपकी लव लाइफ में, बिकॉज मुझे आपके कार्ड्स लिटरली अच्छे दिख रहे हैं। सो यस, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।